जिला डिंडौरी मध्य प्रदेश के कौवाझर माल के 12 बच्चों को अप्रैल 2017 को जबलपुर टेंट के काम के बहाने ले जाया गया और दलालों के द्वारा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ले जाकर बच्चों को छोड़ा गया, जिससे बच्चों को जानवरों की तरह काम कराया जाता था। जब जा रहे थे तो आपको जानकारी नहीं थी? किसी को जानकारी नहीं, बिल्कुल लड़कन की क्या सलाह, कौन ऐसे झटका मार के ले गए कि 2-4 दिन टेंट के काम करना। वो कितने दिन से बाहर हैं अभी? 3 महीना हो गया। गांव के और कितने लड़के गए थे? 12 जन। पता ये चला है कि पहले जो गए गए हैं वो जानकारी आके दिए हैं कि हम तमिलनाडु से आए हैं, कुछ बता रहे हैं कर्नाटक से आए हैं। तो मतलब आप लोग इस समस्या को लेकर के आप लोग क्या किए, कुछ किए अभी तक कोई कार्रवाई? हाँ, जाके थाने में जानकारी दिए हैं, उनके फोटो दिए हैं और माता पिता के नाम दिए हैं। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के सहपुरा विकास खंड के अंतर्गत कौवाझरमाल गांव है, जहां पर 8 बच्चों के गांव वापसी न होने पर मुझे वीडियो बनाने के लिए कहा गया, जिसमें मैंने मुद्दा वीडियो बनाया और व्हाट्सएप के माध्यम से थाना सहपुरा को भेजा और बच्चों की खबर भी अखबार में छपवाई, जिसमें पुलिस विभाग द्वारा बच्चों की खोज शुरू की। कौवाझरमाल में जो 12 बच्चों को बाहर काम के बहाने ले जाया गया था, तो इसके बारे में आपको कैसे जानकारी लगी थी? हाँ, इसके बारे में ये तब समझ में आया, हमने व्हाट्सएप देखा, वीडियो देखा, तो उसमें ये पता चला कि कौवाझर के 12 लड़कों को कोई ठेकेदार काम के बहाने फुसला करके कहीं बाहर ले गए हैं। इसके बाद में हमने ग्राम सभा की, तो ग्राम सभा में भी ये बात हमारे सामने आई। और खासकर किसका योगदान रहा है बच्चों को वापस लाने में? बच्चों को वापस कर लाने में हमारे ये सरपंच महोदया हैं, श्रीमती सरोज परस्ते, उनके अथक प्रयासों से ये बच्चों का पता चला। पुलिस के माध्यम से उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, इस प्रयास करने के बाद में बच्चे का सुराग मिलते ही उन्होंने ये कदम उनके माँ बापों से उठाते हुए और ये बच्चों का पता करने में उनका अहम भूमिका रहा है। मैं यह बदलाव समुदाय, पुलिस विभाग, चाइल्ड लाइन और सरपंच सचिव के सहयोग से ला पाई हूँ। मेरा मानना है कि मिलजुल कर प्रयास करने से सफलता जरूर मिलती है। मैं सरोज परस्ते, ग्राम कौवाझरमाल, विकासखंड सहपुरा, जिला डिंडौरी, मध्य प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।